शत्रुघ्न जी सदैव भरत जी की सेवा में लगे रहे, कभी माता की तरफ ध्यान नहीं दिया। कहने का अर्थ है ये है समर्पण। आप किसी को देकर तो देखिए, आपके पास आपसे कुछ छीनेगा नहीं, उल्टे उसके बदले और मिलेगा। तो माताओं बंधुओं, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब प्रभु गर्भधारण हो गया है माताओं का, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख शुद्ध कछुक काल चली गयो, और जब प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। वैसे ऐसा कभी होता नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये सब अनुकूल हो जाए, एक साथ मिल जाए, कोई ना कोई ग्रह एक दूसरे का एंट्री रहता ही है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर अचर सब प्रसन्न है आज भगवान के जन्म पर। कौन सी तिथि है? गोस्वामी जी लिखते हैं नवमी तिथि, मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस दिन है, भगवान दिन प्रकट हो रहे हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और शीतल मंद सारी भावा भरी है, शीतल मंद सुरभि बह पाओ, हर्षित मन संतन चित चाओ, सो अवसर बिरंची जब जाना। भगवान ब्रह्मा जी को लगा ऐसा है, भागो भागो, प्रभु अवतार लेने वाले हैं, चलो चलो, ये अवसर पे वहां रहना बड़ा आवश्यक है, इस अवसर पे हम लोगों का वहां रहना बहुत आवश्यक है, चलो। सो अवसर बिरंची जब जाना, तो चले सकल सुर साज बिमाना। अब माताओं बंधुओं, जब ब्रह्मा जी और सब लोग गए ना, तो ध्यान दीजिएगा, पुष्कर में सारे होटल खाली रहने लग गए, सारे गेस्ट हाउस खाली, सारी ट्रेनें वहां पे पुष्कर में कोई जा ही नहीं रहा, तीर्थराज प्रयाग में कोई आ ही नहीं रहा, उज्जैन महाकालेश्वर में कोई जा ही नहीं रहा, सारे गेस्ट हाउस खाली, सारी गाड़ियां खाली। तो सारे तीर्थों ने कहा, एक बात बताओ, ये गेस्ट हाउस क्यों खाली है, आ क्यों नहीं रहा है कोई, आ क्यों नहीं रहा है कोई है? तो सबने कहा इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिनका दर्शन करने वो आते थे, जिनके भरोसे पे हमारे गेस्ट हाउस भरे रहते थे सब, वो तो किसी और का दर्शन करने गए हैं कहीं और। तो सारे तीर्थों ने कहा क्या, यानी कि वो किसी और का दर्शन करने गए, कोई और भी है उनसे ऊपर? कहा बिल्कुल बिल्कुल है। तो कहा ऐसा है तो फिर चलो हम भी उन्हीं का दर्शन करने चले जिनका दर्शन वो लोग करने गए हैं। तो जे ही दिन राम जन्म श्रुति गा वही, तीरथ सकल तहा चलिया वही। सारे तीर्थ भी वही वही भाग रहे हैं, देवता भी वही वही भाग रहे हैं, स्तुति करही नाग मुनि देवा, और बहु विधि लावही निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला, नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केही विधि करौं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना,
वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न लहे उपचा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली और सोमति डोली तजहु दात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जोगावही हरि पद पावही तेना परै भवकूपा तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माताओं बंधुओं भगवान का प्रागट्य हो गया, भगवान का अवतार हो गया। संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए दशरथ जी को मालूम पड़ा क्या बात है, किलकारी हो रही है, प्रभु रो रहे हैं। तो सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, ध्यान दीजिएगा, अब तो आता भी है, यही परिभाषा है जन्मदिन की सबसे अच्छी, कि एक ऐसा यही दिन होता है जब हम लोग रोते हैं और हमारी माता हंसती है, उसके अलावा ऐसा कभी नहीं होता माताओं बंधुओं। या यूं समझ लिए कि उस दिन हम लोग रोते हैं तो हमारे सब अपने हंसते हैं, सब जितने हमसे प्यार करते हैं सब हंसते हैं। मानो भगवान इस बात का दर्शन कराना चाह रहे हो पहले ही दिन आकर के, जन्म पे आकर के ही, कि कभी इस संसार में संसार के सामने रोना मत, देख लो, कर लो ये दर्शन सबको, और जोर जोर से रो, जितने जोर जोर से रोते हैं उतनी जोर जोर से लोग हंसते हैं सामने। माने भगवान ये सीख दे रहे हो मानो कि आज आपके ये अपने के हंसते हुए देख लो, रोने से क्या होता है, आगे जाके कभी किसी के सामने रोना मत, क्योंकि रही मन निज मन की व्यथा, मन महुरा खो गोई सुनिठ लई है लोग सब पार्टी न ले है कोई। देख लो इस बात को, तो क्या हुआ, बोले सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, रोना बड़ा परम प्रिय लग रहा है सबको, अरे होता ही है जन्म में, लेकिन आगे जाकर यही सीख है प्रभु की कि एक सामने रोना मत। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जहां तहां धावई दास दासी और आनंद मगन सकलपुर बासी। सब लोग परम प्रसन्न है, चक्रवर्ती सम्राट को बता दिया गया, अरे राजा जी चौथे पन में भी पुत्र हो गया है आपको, यज्ञ भगवान की कृपा हो गई है, तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, क्या प्रभु आ गए हैं, मानहु ब्रह्मा नंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा और चाहत उठन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अरे वो प्रभु मेरे आए हैं, परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाई बजावहु बाजा। भगवान का जन्म हो गया, सब लोग
ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ कि प्रगटे सुषमा कंद चर अरु अचर हर्ष जुत नगर नारी नर हर्षवंत सब जाता नगर नारी नर वृंद। अयोध्या जी में बधावने हो रहे हैं, अयोध्या जी में प्रसन्नता का हर्ष उल्लास का समय है। माताओं बंधुओं एक घटना और हो गई, बाल लीला मैं ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कल भगवान का विवाह हम करें। 9 दिन की कथा में हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, इसलिए केवल एक लीला पे हम लोग चर्चा करेंगे। माताओं बंधुओं हुआ दरअसल जानते हैं क्या हुआ, ये कि जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो जन्म होने पर माता पार्वती के पास माता सरस्वती और माता लक्ष्मी पहुंची और दोनों ने जाकर के कहा, बहन बहन जानती हो हम लोग आज कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रही हैं आप? बोले हम लोग प्रभु के दर्शन करके आ रहे हैं, भगवान के यहाँ से आ रहे हैं, अयोध्या धाम से भगवान प्रकट हो गए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। तो माता पार्वती ने कहा, अच्छा और ये आप हमको अब बता रही हैं, हमको क्यों नहीं ले गई साथ में, हमको भी ले जाना चाहिए ना। आप लोग एक बात बताइए कि भाई आप 3 सहेलियां हो और 2 सहेलियां कहें आप लोग यहीं रुके हैं, कल्पवास कर रहे हैं, मतलब जो भी 2-4 दिन का वास कर रहे हैं, अल्पवास कर रहे हैं, कर तो रहे कुछ, तो वही उसमें कि चले जाए कोई। बोले जानते हैं आज हम उस शिविर से होके आए हैं जहाँ इतनी दिव्य प्रदर्शनी लगी है और क्या भोजन मिला था आज, तो वहाँ इतना बढ़िया भंडारा चल रहा था कि सब्जी तो क्या कहने हैं आज। तो 2 सहेलियां ये नहीं कहेंगी कि अच्छा वो 2 जाएं और 1 को ना ले जाओ, तो कहेंगे अच्छा हमको क्यों नहीं ले गई, हमें क्यों नहीं, हम अकेले अकेले खा के आ गए आप, हमको क्यों नहीं बताया। तो आप लोग क्या कहेंगे, तब क्या बहाना बनाएंगे, गड़बड़ तो कर दिया आपने। तो आप कहेंगे अरे पता है, अरे हमें थोड़ी वो तो हम एकदम से निकल गए, जल्दी जल्दी में निकल गए, अगर पहले से प्लान बना होता तो आपको भी बता देते, आप उस समय दिख नहीं रही थी, हम जल्दी जल्दी चले गए तो हमें क्या मालूम था कैसा होगा, अब अगली बार से प्लान बना के चलेंगे, हम जल्दी जल्दी चले गए, हमारी गलती नहीं है। तो ने कहा अच्छा बड़ी जल्दी जल्दी चली गई आप, ऐसे कितने जल्दी चली गई? अरे कहा बिल्कुल सुबह सुबह गए, बिल्कुल सुबह। अब सुबह सुबह आपको कैसे फोन करते, हम लोग कहते ना जब कोई कहता आप निकल गए बताया नहीं हमको, तो इधर आप सो रहे थे, अच्छा नहीं लगता आपको फोन करना उस समय, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे बाद में, इसलिए हमने फोन किया आपको। अच्छा इसलिए आपने फोन नहीं किया हमें? बोले हाँ इसीलिए फोन नहीं किया, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम एकदम सुबह सुबह गए। तो कहा कितने सुबह गई? तो माता सरस्वती कहती है हम लोग अवधेश के द्वारे सकारे गई, कवितावली बालकांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अवधेश के द्वारे सकारे गई और सुत गोद कै भूपति लैनिक से, चक्रवर्ती सम्राट बस निकले ही थे लेकर के बच्चों को, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद कै भूपति लैनिक से, अब लोकी हूं सोच विमोचन को ठगी सी रही। तो माता पार्वती ने कहा सरस्वती जी आप ये बात कह रहे हैं आप ठग गई? तो माता सरस्वती कहती है सुनिए हम ठग गए क्योंकि हम बुद्धि की देवी हैं और इससे प्रमाण मिलता है हमें कि हम सचमुच बुद्धि की देवी हैं। अगर ना ठगते हम, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई कहे कि अरे आपको मूर्ख बना दिया उस व्यक्ति ने, तो आप प्रसन्न होइएगा उस बात पे, अरे भाई इसका मतलब आप बुद्धिमान थे तब तो मूर्ख बनाया, मूर्ख को कोई मूर्ख क्या बनाएगा, किसी ने कह दिया है कि मूर्ख बनाया इसका मतलब आप थे, आपके पास दिमाग था। तो माता सरस्वती कह रही कि अगर हम ना ठगे होते तो हम तब शक हो जाता कि हमारे पास बुद्धि है कि नहीं है, ठगी सी रही। अच्छा बोले ना ठगती ना तो जेना ठगे धिक से, उनकी बुद्धि पे धिक्कार है, उनके दिमाग पे धिक्कार है जो उस रूप को देख करके ठग ना जाए। तुलसी जन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन चातक से, सजनी शशि में समसील उभय नवनील सरोरुह से बिक से, ऐसा लग रहा है कि मानो नील कमल एकदम उगे हों, इतने सुंदर लग रहे हैं वो बालक। तो माता सरस्वती ने कहा कि अच्छा इतने सुंदर लग रहे हैं, तो कहा अच्छा अगली बार आप भी हमारे साथ चलना। तो माता पार्वती ने कहा अब अगली बार न जाने कब मौका मिलेगा, पहले अभी आपने इतने हमको ललचवा दिया है, इतना रूप बता दिया है कि वो नवनील सरोरू से बिकसे, आप ठगी सी रह गई उनको देख करके, तो अभी हमको पहले बताइए उनका कैसा रूप देखा,
पहले रूप के बारे में तो कुछ बता दीजिए, बाद में जब जाना होगा तब जाएंगे, अभी हमसे रहा नहीं जा रहा, कुछ तो बताइए कैसा रूप है उनका। तो माता सरस्वती कहती है, रूप वो तो भर दंत की पंगत कुंद कली, दांत बिल्कुल अनार के दाने हैं प्रभु, कैसे हैं बिल्कुल, बर दंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चम कहीं घन बीच जुगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, और न्यो छावरी प्राण करो तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। जब वो बोलते हैं ना प्रभु, तो लगता है कि न जाने क्या निछावर न कर दूं उन पे, ये प्राण भी क्यों ना निछावर कर दूं उन पे, इतना ऐसा जब बोलते हैं तो लगता है। तो माता पार्वती ने कहा, अच्छा ऐसा लगता है, तो जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, तो वो तो वेद उनके मुंह से निकले हैं प्रभु के। माता पार्वती ने कहा, तो कुछ बोलते होंगे तो कुछ उपदेश देते होंगे, कुछ वेद वाक्य बताते होंगे, कुछ वेदों के बारे में क्या बोलते हैं, क्या उपदेश देते हैं, बताओ जरा। माता लक्ष्मी कहती है, कोई वेद का उपदेश नहीं देते, वो तो झगड़ा कर लेते हैं, झगड़ा बोलते हैं तो केवल झगड़ा करने के लिए। क्या कहते हैं, बोले वो तो कब हूं ससी मांगत वारी करें, कभी झगड़ा कर लेते हैं कि मुझे चंद्रमा चाहिए चंद्रमा, जैसे हमारे कन्हैया भी माता यशोदा से हट कर गए थे ना कि चंद्रमा चाहिए, वैसे ही हमारे प्रभु भी हट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, वो कब हूँ ससी मांगत वारी करें, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरें, कब हूँ कर ताल बजाई कई नाचत, मातु सभय मन मोद भरें, कब हूँ ऋषि आई करे हटी के पुनी ले तो सोई जही लागी अरे, और अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। वो चारों ऐसा लगता है जैसे इस मन मंदिर से कभी बाहर जाए ही नहीं, सदैव ही इस मन मंदिर के अंदर बसे रहे। तो कहा, अच्छा तो क्या करते हैं वो, कुछ बताओ लीला, तो कुछ बता दो क्या करते हैं प्रभु। माता सरस्वती ने कहा, लीला लीला में तो केवल वो इतना करते हैं कि वो धूल में लोट लगाते हैं, बस धूल में लोटते हैं और उनका कोई काम नहीं है, धूल में। अच्छा धूल में लोटते हैं, तो धूल में लोटते हैं तो कैसे लगते हैं वो धूल में लेटने के बाद, अरे वाह क्या लगते हैं धूल में लोट लेते हैं जब प्रभु, तो वो तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, कविता वाली बालकांड ही चल रहा है, तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन, और कंज की मंजुल ताई हरे, अति सोहद सुंदर धूरी भरे। अरे वो जब धूल भर लेते हैं ना, तो माता पार्वती ने कहा, अरे वैसे तो प्रभु सांवले हैं और सांवले हैं, ऊपर से वो धूल में भी लोट लेते हैं, तो कुछ दिखता है कि नहीं दिखता उनका इतने सांवले होने के बाद, आप बताइए, कोई बहुत सांवला हो ऊपर से वो कीचड़ में गिर जाए या डामर में गिर जाए तो क्या दिखेगा उसका, कुछ दिखेगा ही नहीं, सब झुक गया। बोले अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी करे। अरे वो जब धूल में भी लौट जाते हैं तो कामदेव सैकड़ों सैकड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो कहा, ऐसा क्या दिख जाता है धूल में लौटने पर उनके, कहा कुछ ज्यादा नहीं दिखता, केवल दो दांत दिखते हैं उनके। अरे भाई हम भी धूल में गिर जाए, कोई सांवला से गिर जाए तो उसके दांत ही तो चमचमेंगे और क्या होगा। बोले दम कहे ततिया दूती दाम, दो दो दांत केवल, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, दम कहे दूतिया दूती जामी निजो, किल कहे कल बाल विनोद करें, और अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ऐसा लगता है कभी वो इस हृदय से निकले ही नहीं। तो माता पार्वती तो सब सुन रही थी माताओं बंधु, लेकिन भगवान शंकर पीछे बैठ के ये सब किस्सा सुन रहे थे, वो भी माने महिलाएं क्या बात कर रही हैं। भगवान शंकर ने सोचा, काकभुशुंडी लाओ जरा देखें, गई हमारे बारे में तो कुछ बात नहीं हो रही, हमारी कोई बुराई चल रही हो, कोई प्रपंच चल रहा हो, तो कान से लगा के सुन रहे थे। तो उन्होंने देखा, अरे अरे काकभुशुंडी जी यानी प्रभु का अवतार हो गया और ये लोग देख के आ गई है। महादेव ने कहा, एक बात बताओ काकभुशुंडी जी,
हम लोगों का कोई जुगाड़ लगेगा कि नहीं लगेगा प्रभु को देखने का। तो काकभूषुंडी जी ने कहा बहुत ही मुश्किल है प्रभु, अपना नहीं लग पाएगा। क्यों? कहा प्रभु इसलिए कि वैसे ही पहले तो हम और आप अनोखी जोड़ी है, एक तो आप भूतनाथ हैं। अरे भाई भूतनाथ डरावने लोगों को बच्चों के सामने थोड़ी ले जाया जा सकता है, डर जाएगा वो बच्चा। और दूसरे हम कौवा हैं, हम भी चांडाल पक्षी हैं, कौवा भी नहीं कि कोई पसंद करता किसी घर में बैठे। तो कहा हम दोनों नहीं जा सकते। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इसमें लगाता हूँ, कोई प्रयास करता हूँ। तो क्या किया, माताओं बंधुओं, भगवान शंकर पहुंचे अयोध्या धाम। और आप कल्पना करिए, कल्पना करिए कि जब असली में आज अयोध्या धाम आप जाएं रामनवमी पे, तो रामनवमी पे जाएंगे तो कितनी भीड़ होगी, भयंकर भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। तो अयोध्या धाम में रामनवमी पर भी ऐसी भीड़ रहती है। तो अभी इतनी भीड़ रहती है तो कल्पना करिए जब सही में राम जी का जन्म होगा तब कितनी भीड़ रही होगी, जब असली में ही भगवान प्रकट हुए होंगे, तिल भर भूमि नहीं कही। तो भगवान शंकर ने सोचा कि मुझको जाना है राजमहल के अंदर, कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा राजमहल के अंदर, घर के अंदर जाने का तो कुछ बहाना चाहिए, ऐसे किसी घर में घुस जाओगे। तो ध्यान दीजिए, घर के अंदर घुसने का संतों महात्माओं के पास एक ही बहाना होता है बस। क्या बहाना होता है भाई? हमारे जो भाई लोग हैं वो मिलते हैं दफ्तर में, वो घर में नहीं मिलते किसी को, वो करते हैं नौकरी, वो करते हैं बिजनेस, दुकान पे मिलेंगे चाहे दफ्तर में मिलेंगे, और घर में मिलती है माताएं। तो माताओं से मिलने के लिए तो माताओं के इंटरेस्ट की बात करनी पड़ेगी तब माताएं मिलेंगी, ऐसे तो मिलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं किसी को। और माताओं के इंटरेस्ट की क्या बात है संतों महात्माओं के पास, वो आप लोग जानते ही हैं, एक ही बात है, कोई दूसरी बात नहीं है माताओं के इंटरेस्ट की, जानते हैं ना माताएं, आप लोग तो जानती होंगी कि नहीं जानती, जानते हैं ना। और वही ले दे के जन्म पत्रिका, हस्तरेखा, ज्योतिष, जो बता दे बस वो काम का है। बेटे की नौकरी कब लगेगी, बेटी का विवाह कब होगा, बड़ी समस्या है घर में। तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि जाना घर के अंदर है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो लगाया सरजू के किनारे जाकर के एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया जो सबको दिख जाए। अब लगाया, उस पर लिखा हुआ था कि भाई परम ज्योतिषी, परम विद्वान, हस्तरेखा विशेषज्ञ, तंत्र मंत्र विज्ञान विशेषज्ञ, हमारे यमलात्मा कमलात्मा पंडित जी शंकर दत्त शास्त्री जी और बनारस वाले, ऐसा लिख दिया था नीचे। अब वो जैसे ही हुआ, माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, भीड़ पे भीड़ आना प्रारंभ हो गई, तांता लग गया हस्तरेखा दिखाने का, ज्योतिष दिखाने का। तो क्या हुआ कि वहीं पर एक पनिहारिन भी आया करती थी राजमहल से, तो उसने देखा कि अरे ये महात्मा जी यहाँ पे लगा के बैठे हैं और ज्योतिष बता रहे हैं, तो लाओ इनको घर ले जाया जाए, जरा हमारे लल्ला का भी देख लेंगे भविष्य, हमारे यहाँ बच्चा हुआ है। भगवान शंकर से कहा प्रभु चलिए, कृपा करिए हमारे यहाँ पे भी चलिए। भगवान शंकर चल पड़े। अब माताओं बंधुओं भगवान शंकर गए, तो जैसे ही पहुंचे ना, तो माता कौशल्या को बताने गई वो पनिहारिन कमरे में कि माता कोई आया है, और पीछे भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी महाराज को द्वारपाल ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हैं आप, कैसे अंदर जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा अरे भाई हमको हस्तरेखा देखने के लिए बुलाया गया है, हमें वहां बच्चे का भविष्य बताना है। तो द्वारपाल ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, आप कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए फिर आप बाद में गुस्सा मत होइएगा आपकी, हम वापस जा रहे हैं, लेकिन महारानी गुस्सा हो जाए तो हमसे मत कहिएगा आप। इधर भगवान शंकर बहस कर रहे हैं, उधर वो पनिहारिन पहुंची माता कौशल्या के पास और जाकर कहती माता जानते हैं कौन आया है, कौन आया है? बोले अवध आज आगमी एक आयो। ये गीतावली में बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, माता कौशल्या को पनिहारिन बता रही है, दासी बता रही है कि एक आगमी आया है जो आगम बताता है, क्या करता है? बोले करतल निरख कहत सब गुण गन बहुतो परिचय पायो। बहुत परिचय है उसका, बहुत ज्यादा उसको मालूम है, सब बता देता है।
उम्र क्या है? बोले बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है, शंकर नाम अपना बता रहा है। माता कौशल्या ने कहा बुला लाओ। अब पहुंची दासी, चलिए चलिए चलिए। तो भगवान शंकर ने कहा देखा आ गई ना हमको बुलाने। अब माताओं बंधुओं, शंकर जी अंदर जाने लग गए हमारे महादेव, लेकिन द्वारपाल ने उसको रोक लिया, चेले राम को, काकभुशुंडी जी को, और इनको नहीं जाने देंगे। अरे इनको क्यों नहीं जाने देंगे? कहा दरअसल बात यह है, द्वारपाल बोलता है, दरअसल बात यह है कि ये राजमहल है और राजमहल के अंदर भाई 12 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम के लोगों का अंदर जाना मना है। भाई दासी दासियां हैं, राजकुमारियां हैं, महिलाएं हैं, ऐसे लोग अपरिचित नहीं जा सकते, ये नहीं जाएगा अंदर। तो भगवान शंकर ने कहा अरे क्यों नहीं जाएगा जी, ये आपको क्या लगता है कि मैं इसको कोई घुमाने फिराने ले जाता हूं? मुझे इससे बहुत काम पड़ता है। तो कहा ऐसा क्या काम पड़ता है जी इनसे? भगवान शंकर ने कहा ऐसा है, देखिए दरअसल बात यह है कि मैं ज्योतिष तो मैं ही जानता हूं, लेकिन 60 वर्ष की आयु होने के कारण मेरी आंखें कमजोर पड़ गई, तो मैं हस्त रेखा देख नहीं पाता। तो ये जो मेरा चेला है, ये रेखाओं का आकार, लंबाई, चौड़ाई, किस दिशा में जा रही है, इस प्रकार से सब बताता है, और वो सब सुनने के बाद मैं ज्योतिष करता हूँ, गणना करता हूँ। तो उसने कहा द्वारपाल ने, क्या ऐसा भी कहीं होता है? भगवान शंकर ने कहा कहीं का तो नहीं मालूम, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सरय नया बिनु काज कछु, व्यर्थ करिए जनि रोष, रेखा देखत शिष्य यह और मैं भाखौं गुण दोष। रेखा ये मेरा शिष्य देखता है, मैं गुण दोष बखान करता हूं। तो द्वारपाल ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाइए अंदर जोनू। अब माताओं बंधुओं, महादेव पहुंच गए, ध्यान दीजिएगा। अब महादेव जैसे ही पहुंचे तो महादेव के मन में था कि भाई हम जाएंगे और जाकर के प्रणाम करेंगे प्रभु को, उनके चरणों को अपने मस्तक से लगा लेंगे। हम लोगों का भी यही भाव रहता है, जब हम अपने गुरु जी को देखते हैं या प्रभु के दर्शन करते हैं जाके मंदिर में, तो साक्षात दंडवत हो जाते हैं भाई, उनकी मूर्ति में जो चरण होते हैं वो अपने मस्तक पे लगा लेते हैं। यही हुआ, भगवान शंकर ने भी सोचा कि जाऊं और जाकर के चरणों को लगा लूं मस्तक पर, किंतु ऐसा कर नहीं सकते थे वो, क्योंकि यदि ऐसा कर देते तो माताओं बंधुओं, माता जी को शक नहीं हो जाता, कौशल्या माता को, वो घबरा नहीं जाती कि आप बताइए कोई महाराज आए और आपके बच्चे के सिर को मस्तक पे लगा लें तो आप डरेंगे नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ टोना टोटका ना हो, कोई जादू ना हो, ये कर क्या रहा है ये? तो उनने कहा देखिए माता ऐसा है, महाराज महादेव ने जुगाड़ लगाया, दिमाग लगाया, उन्होंने उन्होंने कहा माता आपके बालक की हस्त रेखा तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत उज्जवल भविष्य, लेकिन चरणों की रेखा में कुछ समस्या है। तो माता पार्वती, वो माता कौशल्या ने कहा क्या समस्या है? बोले देखिए चरणों की रेखाओं में बनबन भटकने का योग लिखा है, बनबन भटकने का। तो माता कौशल्या ने कहा अरे क्या हो गया प्रभु, अब कैसा होगा, मेरा बेटे का क्या होगा? तो महादेव ने कहा चिंता मत करिए, अरे मेरे मस्तक पर संजीवनी रेखाएं हैं, संजीवनी रेखाएं, यदि माता मैं आपके बच्चे के चरण को अपने मस्तक से रगड़ दूं तो इनका बनबन भटकने का योग खत्म हो जाएगा और सब मामला फिट हो जाएगा। तो माता कौशल्या ने कहा अरे प्रभु तो जल्दी करिए, इसमें देर क्यों कर रहे हैं आप? महादेव तो ये चाहते ही थे। तो माताओं बंधुओं, महादेव ने लिया चरण और रगड़ने लग गए मस्तक पर। तो जब रगड़ने लगते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को गुदगुदी होती है, कोई भी बालक होगा उसके जब तलवे पे आप उंगली लगाएंगे तो गुदगुदी होगी, तो उसको प्रभु को गुदगुदी होने लग गई। तो माता ने सोचा कि इसलिए ये हंस रहे हैं क्योंकि गुदगुदी हो रही, बच्चा बेचारा हमारा गुदगुदी हो रही तलवे में। लेकिन महादेव को ये लग गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है, ऐसे प्रभु नहीं हंस सकते। तो महादेव ने कहा प्रभु एक बात बताइए, आप ये हंसे क्यों?